अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज जाना हमें वहाँ सोनीपत। तो मतलब एक जानने वाले मेरे दोस्त थे, उनकी कॉल आ गई थी कि भाई मतलब गाड़ी लेके जानी है वहाँ पे, तो चलोगे क्या? मैं भी घर पे फ्री, मैंने सोचा चलो वीडियो शूट भी होगी और काम भी हो गया, तो इससे अच्छा और क्या है। तो आज आपको वहाँ का प्रोग्राम दिखाएंगे, ठीक है जी। वहाँ पे जो उनके गुरु महाराज होते हैं, तो उनका वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, वहाँ पे वो मतलब उनसे मिलने के लिए या भाई उनको उनकी ज़ियारत के लिए वो वहाँ पे जाएंगे। तो अभी मैं बैठा हूँ अपने ताया के बेटे की शॉप पे। ये ताया के बेटे हैं हमारे आशिफ रेमानी, और ये इनकी शॉप है यहाँ पे कन्फेक्शनरी की, और पान वगैरह, पान, सिगरेट, कॉफ़ी, चाय। और ये हमारे गली के नुक्कड़ पे ही है, बस अभी मतलब मैं आया था तो इन्होंने इधर को जा रहा था तो आवाज़ दे ली, मगर चलो भाई से मिल के चलते हैं। तो अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ बस, और अब निकलने लगा हूँ क्योंकि उनकी भी कॉल आ गई है, वो भी रेडी हो गए और मैं भी रेडी हूँ। तो चलो आज आपको प्रोग्राम दिखाएंगे वहाँ का। और बताओ तुम, मैं भाई कितना मोटा नज़र आ रहा है इसमें, या हो ही रहा इसमें? इसमें तो है, वो तो रहा, पर इसमें भी आ रहा। खैर कोई नहीं, अल्लाह करेगा हो ही जाएगा पतला भी, भाई मेहनत कर। अच्छा जी ठीक है, आ गया गाड़ी के पास। ये गाड़ी मैं ही सेल करके गया था इन भाई को, आज 3 महीने बाद पूरे मेरा इस गाड़ी में बैठना हुआ। ये गाड़ी मैंने ही सेल की थी इन भाई को। चलो तो गाइस अभी हम जो है चल दिए यहाँ से गाड़ी लेके, और मैं आप लोगों को आज का इनका जो मतलब इनका जो रिलीजन है और किस तरह से मतलब ये मानते हैं उसको, तो वो सब चीज़ें आज आपको दिखाऊंगा। और मतलब आज आप देखो, मैं ये गाड़ी सेल करके गया था, और आते ही फर्स्ट दिन मतलब मुझे इसी गाड़ी को चलाने के लिए मिली है मुझे। तो असल में इनके जो बड़े वाले भाई हैं उनसे चलानी आती है, और जो वहाँ जाएंगे वो छोटे वाले जाएंगे, उनसे मतलब चलानी भी आती है लेकिन अच्छी तरह नहीं आती। तो इसलिए उन्होंने कॉल करके मुझे बुला लिया था कि भाई हमें वहाँ पर जाना है सोनीपत। उन्हें पता था मेरे आने का, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था आने से पहले कि मैं पहुँच जाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें वहाँ पर जाना है, तो अगर आप फ्री हो तो हमारे साथ चलो। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं आज फ्री था। तो अल्लाह ने देखो मतलब कहते हैं ना कि काम जो है ना वो करने वाला होना चाहिए, काम अपने आप मिल जाता है, ठीक है। सुल्काना धाम किधर को जाना पड़ेगा? कितनी दूर है इससे? बोल अंगुलाना धाम है, चुलकाना किधर है? हाँ ठीक, कितनी दूर होगा? कितनी दूर होगा? करीब 5 किलोमीटर। ठीक है चलो। तो भाई यहाँ पे पार्किंग में हमने कार खड़ी कर दी है, और अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है जी। तो दिखाते हैं आपको आगे। ये यहाँ पे मेला लगा रहता है, इधर भी प्राचीन सिद्ध श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम, ये इसका मंदिर का नाम लिखा हुआ है। और जो ये नीचे दीवार पे लिखा हुआ है, ये लिख रहा है जहाँ दिया था शीश का दान वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि, यही हमारा चुलकाना धाम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनका पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान मतलब पाक जगह,
जहाँ पे बाबा ने अपने सिर का दान दिया था श्री कृष्ण को। तो सर का दान देने का मतलब है कि उन्होंने अपना जो सर है वो धड़ से अलग करके अपने हाथों से काट के जो उनके भगवान श्री कृष्ण जी थे उनके सामने रख दिया था अपना सर अपने हाथों से काट के। और वो क्यों रखा था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब इनको ना आशीर्वाद प्राप्त था, इनको महादेव का आशीर्वाद और विजया देवी का आशीर्वाद प्राप्त था कि इनको तीन बाण प्राप्त हुए थे जिससे वो सृष्टि का संहार कर सकते थे। मतलब सृष्टि बोलते हैं दुनिया को, संहार बोलते हैं ख़त्म करने को। तो जिससे इनको तीन बाण मतलब तीर, तो इनको तीन तीर मिले हुए थे जिससे वो सृष्टि का संहार कर सकते थे। तो इनकी माता को संदेह था कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो पांडव उसमें जीत नहीं सकते। तो इनकी माता ने इनकी बहादुरी को देखते हुए इनसे वचन लिया था कि तुम युद्ध देखने तो जाओ लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। तो ये अपनी माता के भक्त थे, इन्होंने अपनी माता का जो है वो वचन स्वीकार किया। तो इसीलिए इनको जो है वो कहा जाता है कि भाई हारे का सहारा। अपनी माता से आज्ञा लेकर बरबरीक जो है घोड़े पे सवार होकर युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। बरबरीक इनका ही नाम था जिनका ये मंदिर है। पांडवों का पल्ला कमज़ोर था, जब बरबरीक पहुँचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे। लेकिन बरबरीक को तो हारे का सहारा बनना था क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वचन लिया था कि भाई जो कमज़ोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। वहीं अगर वे कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी जो थे इनके भगवान, उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लेकर बरबरीक के पास पहुँचे और बरबरीक की परीक्षा लेने के लिए पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो मतलब इन्होंने एक ही तीर से जो पीपल के पेड़ के पत्ते थे इनके एक ही तीर से उन पीपल के सारे पत्तों में छेद कर दिए थे और एक पत्ता जो था वो श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने सारे पत्तों में छेद कर दिए लेकिन एक पत्ता मेरे पैर के नीचे है। तब बरबरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके ही लौटेगा, क्योंकि मैंने जो है बाण को पीपल के पत्तों में छेद करने का आज्ञा दी हुई है, आपके पैर में छेद करने की नहीं। इसलिए आप देखें आपके पैर के पास ही वो बाण रुका हुआ है। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है, अभी भी अंदर ही है वो मंदिर में। तो पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद है जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बरबरीक ने अपने बाणों से भेदा था। और इनका ऐसा मानना है कि जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत खाली नहीं जाती। ये मतलब वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है उसमें धागा बांध के ये मन्नत मांगते हैं तो इनकी कोई भी मन्नत इनकी खाली नहीं जाती। तो अब आपको बताते हैं इन्होंने अपने शीश का दान क्यों दिया। मतलब जब ये युद्ध में पहुँचे तो इनका विशाल रूप देख के सैनिक डर गए और श्री कृष्ण जी ने जो है इनका परिचय उनको बताया था। तो वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बरबरीक के पास पहुँचे। बरबरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बरबरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगू क्या आप उसे दे सकते हो। बरबरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बरबरीक ने कहा कि मैं शीश का दान दूंगा लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता, तो आप सच बताएं आप कौन हो। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण जो है अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर तीन वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बरबरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींच कर अमर करते हुए एक टिल्ले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज ये लोग प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम से
धाम के नाम से संबोधित करते हैं। और ये सब जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, ये जिन्होंने इनसे पता करके जो हमारे साथ आए थे भाई, कुछ इनसे पूछ के कुछ थोड़ा नेट पे सर्च करके, तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी इसमें मिलाया नहीं। गोड़वाल मजरी है और संभाल का है। यहाँ पे उतरने के बाद आपको ऑटो रिक्शा के जरिए भी चुलकाना धाम पहुँच सकते हैं। और ये बच्चों के लिए यहाँ पे खिलौनों की दुकान भी लगी हुई है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने की चीज़ें हैं, और जो मतलब ये भगवान हैं इनकी तस्वीरें हैं, इनके लॉकेट हैं इनकी, हर तरह से गाड़ी में बांधने के लिए सारा सामान यहाँ पे, गाड़ी पे पोस्टर चिपकाने के लिए हर तरह से आपको। तो भाई यहाँ की वीडियो तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, अब चलते हैं अपनी पार्किंग की तरफ। ठीक है भाई, हम जो है खाना लेने के लिए जा रहे हैं। ये भाई हमारे साथ आए थे जो आगे आगे चल रहे हैं। दोबारा से नहीं कह रहे थे भाई। क्या लगा रहे भाई? ये जी श्री काना कुंज मिष्ठान भंडार। तो भाई इनका टेस्ट करके बताएंगे कैसा बनाते हैं। अभी तो लेने के लिए ही आए यहाँ पे। कचौरी और ये क्या है जी? छोले। ये यहाँ जो ये श्री श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम के बाहर ही लगाते हैं। कितने की बता रहा? 4 प्लेट 100 रुपए। अच्छा, और उसमें क्या क्या देगा भाई? देंगे सब्जी, देंगे कचौड़ी, देंगे सब्जी कचौड़ी, दही देंगे, चटनी देंगे। अच्छा, अच्छे से करके लगाना। ठीक है भाई। हाँ अंकल, 25 रुपए प्लेट है। एक केक के गल लगा रहे बता भाई, केक के गल लेगा ये जो बाहर इनकी दुकान है, ये इन्हीं की धर्मशाला है, सांवरिया धर्मशाला। तो भाई अभी काम चल रहा है या कंप्लीट हो गया भाई? अब सभी ज़्यादा नहीं, तो मतलब 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, तो ऊपर मतलब रूम वगैरह? ऊपर 22 रूम अपने। अच्छा, और नीचे पूरा हॉल है कीर्तन के लिए। आने वाले भक्तों यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, और आने वाले टाइम में बाबा की कृपा से बहुत यात्री अपनी धर्मशाला रुकेंगे, और आप सभी का हमारे को साथ चाहिएगा। और खासकर भाई यूट्यूबरों का मतलब जो आते हो, तो हमारा मंदिर का मतलब जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से आज बाबा की बहुत कृपा हो रही है। चलो भाई, यहाँ पे भाई का भाई ने बता दी सारी बात। मंदिर के बिल्कुल सामने ही है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, और पार्किंग भी सामने ही है। ये पार्किंग का तो मेरे हिसाब से यहाँ भी अरेंज होगा नीचे, या यहाँ नीचे होल सेल कीर्तन के लिए। अच्छा, रात को कोई आता है तो फ्री व्यवस्था नीचे की, नीचे पे एकदम फ्री व्यवस्था होगी सोने की। ऊपर जो रूम लेगा एसी वाला, तो उसके लिए रेंट होगा। चलो बहुत बढ़िया जी भाई, पर जाके दिखाता हूँ जी किस तरह के यहाँ पे भाई ने
हाँ हाँ हो ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा ये। जी जी ठीक। तो रूम भी काफी बड़ा है, ऐसी बात नहीं कि भाई रूम छोटा है। सब में अटैच बाथरूम है। हाँ बहुत अच्छे। तो ठीक है जी। हाँ हाँ मंदिर के सामने, यहीं से जो है अपना किसी भी टाइम उठो दर्शन करो अपना। जी हाँ 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 नीचे अपनी शॉप है। अच्छा कितने रूम है भाई इसमें? कुल मिला के 22 रूम है। अच्छा ऊपर भी काम चल रहा है इसमें? अच्छा इधर भी रूम है। और अभी काम चल रहा है इसमें, बहुत जल्द जो है इसमें मतलब तैयार हो जाएगा ये। तो जिसको भी आना है नाइट स्टे वगैरह, नीचे ये पूरा हॉल जो है ये फ्री है, जिसको उसके लिए चाहिए कीर्तन वगैरह के लिए। और ये मंदिर के बिल्कुल पास ही है, ये सामने मंदिर हो गया और ये मंदिर के बिल्कुल पास ही है। ठीक है। अच्छा जी भाई क्या कर रहा है? बस गेट शीशा चढ़ाओ गाइस। अभी चुलकाना धाम से हम जहाँ पे गए थे, चुलकाना शायद उस गांव का नाम है, उसके नाम पे ही वो मंदिर है जहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ से अभी हम थोड़ी दूर, लगभग वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर, 15-20 मिनट हमें वहाँ से आने में लगी है, इस गांव में हम आए हैं। यहाँ पे जो मेरे साथ जैन साहब आए हैं, इनके जो संत महाराज होते हैं वो यहाँ पे स्टे किया हुआ है उन्होंने, वो रुके हुए हैं किसी घर में। वो घर में आपको अभी दिखाया था मैंने, वो घर जिसमें वो रुके हुए हैं। और तो इनका जो मतलब जो इनके संत होते हैं, जो जेंट्स संत होते हैं इनके, वो अपने जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। मतलब उनका एक तरह से ये होता है कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से संन्यास ले लेते हैं जब वो संत बन जाते हैं, तो उन वो कोई भी चीज़ अपने उसमें लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। कोई कपड़ा नहीं पहनते, किसी भी तरह से चप्पल नहीं पहनते, चाहे जितनी जैसी मर्जी सड़क हो, जितनी दूर का उनको सफ़र करना हो, कोई किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, पैदल ही जाते हैं। चाहे उन्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, चाहे जितनी मर्जी दूर उनको जाना है, पैदल ही जाते हैं। और उनका अपने घर से, अपने किसी भी रिश्तेदार से कोई कनेक्शन नहीं होता उसके बाद जब वो मतलब संन्यास ले लेते हैं। और आप देखो मतलब कितनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है, आम इंसान अगर एक, अब आगे सर्दी और ज़्यादा होगी, हमारी मतलब आप देखो कि हम रजाई में लेटते हैं एक घंटे में, आधे घंटे में तो जाके रजाई में गर्माई आती है, सुकून मिलता है। और फिर दिन में भी कितने कपड़े हम पहन के रखते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो इनके संत होते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, वो अपने जिस्म पे किसी भी मौसम में किसी भी वक्त कोई कपड़ा नहीं पहनते। ये नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं पहनते, ऊपर से नीचे तक वो। और उनके सर के बाल भी जो होते हैं,
सर के बाल भी उनके मतलब चोट चोट के निकाले जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो कटिंग कराते हैं, कोई वो कटिंग नहीं कराते, शेविंग नहीं कराते, उनके बाल इस तरह जड़ से चोट चोट के उखाड़ते हैं, वो खुद भी उखाड़ते हैं और बाकी शायद जहाँ तक मुझे पता है जब वो संन्यास लेते हैं और लोग जो उस जब वो संन्यास लेते हैं उसको बोलते हैं दीक्षा लेना, तो जब वो दीक्षा लेते हैं अभी मतलब मेरे यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही हमारे कांदले में किसी ने दीक्षा ली है मुझे पता लगा था, तो उस टाइम मैं यहाँ पे था नहीं, वरना मैं वहाँ पे जाके आप लोगों के लिए वीडियो बना के यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करता, लेकिन अब मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो जो इनकी लेकिन लेडीज़ होती है, जो इनकी लेडीज़ जो संत होती है वो कपड़े पहनती हैं और मतलब बाल वो भी छोटे ही रखती हैं, उनके भी बाल इसी तरह निकालते हैं उखाड़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो गाइस यहाँ पे हम आए हुए हैं, ये गांव है हरियाणा के पानीपत में पड़ता है ये गांव, और मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे घर कांदला से, तो लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि मैं उनको लेने आया हूँ जिनके यहाँ पे संत रुके, उनको लेके आया हूँ जिनके यहाँ पे संत रुके हुए हैं। और आप देखो ये गांव यहाँ पे कैसा गांव है, और गांव की लाइफ का तो आपको पता ही है, गांव में खैर अलग ही सुकून है अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सुकून शांति और अच्छा माहौल होता है, किसी तरह की कोई शोर नहीं होता। और जो मैं भी आपको बता रहा था कि उनकी गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, तो जो इनकी लेडीज़ जो संत होती है वो इस गाड़ी में चलती हैं, देखो ये गाड़ी खड़ी है, ये देखें आप इस गाड़ी में वो चलते हैं ठीक है। और इस गाड़ी को ऑल इंडिया कोई रोक नहीं सकता है ठीक है जी। और ये हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी तो आपको बताई है, मैंने दिखा दी थी, ये गाड़ी खड़ी है। और मैं यहाँ पे बाहर को उतर के आया था कि चलो थोड़ा यहाँ पे सुकून मिलेगा बाहर उतर के, क्योंकि अच्छा मौसम हुआ हुआ है, खुली हवा लग रही है, इतनी सर्दी भी नहीं है ठीक है, क्योंकि गाड़ी में सफोकेशन सी कुछ हो रही थी तो मैं उतर के बाहर आ गया था, और यहाँ पे आके मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ठीक है, आगे आपको डेली आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे जैसे जैसे हमारी लाइफ चलती है। और चैनल वीडियो अच्छी लगे तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ठीक है। ये इनकी गाड़ी है जी, गाड़ी में सारा सामान रखा है, और इस घर में ही वो रुके हुए हैं सामने, जो आपको व्हाइट कलर का घर नजर आ रहा है, ये उन्हीं का ही सामान है इसमें गाड़ी में, इसमें चलते हैं। तो जी ये निकल के आ गए बाहर, तो भाई ये जो हैं इनके जो लेडीज संत होती हैं वाइट कपड़ों में ये हैं। और ये वो मैंने आपको बताया था ना कि ये उस गाड़ी में चलते हैं, उस गाड़ी में नहीं चलते हैं ये लेडीज संत भी, पैदल ही चलते हैं ये, मतलब गाड़ी सिर्फ इनके सामान के लिए होती है, तो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वे तो इस पे बैठ के जाते हैं, फिर बाकी ये पैदल ही चलते हैं जो इनकी लेडीज संत होती हैं, ये पैदल ही चलती हैं, ये कोई गाड़ी का उसका किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर चाहे जितना मर्जी दूर जाना हो पैदल ही जाते हैं। ये गाड़ी सिर्फ सामान के लिए है, और ये सिर्फ मतलब पीछे पीछे रहती है, ऐसे ही चलती है। तो भाई वहाँ से तो हम आ गए जहाँ पे गए थे दोबारा, वहाँ से ना इनके जो मतलब वो थे संत, वहाँ से वो गए थे उसमें स्थानक होता है जिस जगह वो ठहरते हैं उसको स्थानक बोलते हैं, वहाँ से उस गांव से वो स्थानक गए थे पैदल, पैदल ही चलते हैं, ये किसी गाड़ी का यूज़ नहीं करते, मैंने पहले भी बताया आपको। तो अब हम वहाँ उनको छोड़ के मतलब वहाँ से आ गए थे, अब रास्ते में हम ढाबे पर रुके हैं खाना खाने के लिए, और ढाबा ये कनक ढाबा, द कनक ढाबा, ये इसी हाईवे पे है यहाँ पे,
ये पानीपत से दिल्ली वाला हाईवे है जो सामने आपको हाईवे नजर आ रहा है, कार आ रही जा रही है जिसपे। ये पानीपत से दिल्ली वाला हाईवे है और हम यहीं पे रुके थे खाना खाने के लिए। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे खाने का क्या क्या सिस्टम है। तो ये पहुँच गए जी हम ढाबे में अंदर, और ये ढाबा है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था यहाँ पे है और अंदर उसमें फैमिली की है। तो खाने का भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह का खाना जो है लगाते हैं। तो जी खाना हमने यहाँ पे खा लिया, खाना खा के बाहर आ गए और अभी इस बच्चे को साइकिल दिलवानी है यहीं पे। तो अब इसको साइकिल दिलवा के फिर जाएंगे घर। यहाँ रुके हैं साइकिल लेने के लिए और चलो आपको दिखाते हैं यहाँ पे बच्चों की कैसी कैसी साइकिल है, क्या रेट है। ये देखो जी, देखो खुद से तो चोट लग जाएगी क्योंकि बाइक्स में तो किसी में रिमोट नहीं है। कितने की है ये? 9500 रुपए की है जी ये वाली। वो कितने की बताइए? ये 5000। ये भी इलेक्ट्रिक इसी तरह की है, बैटरी से। ये रिमोट है कि ये भी सेल्फ है? रिमोट से भी है, ये पैर से। अच्छा, रिमोट से भी पैर से भी। तो जी ये वाली बच्चे के लिए फाइनल कर लिए और ये पैक करा के बस चलते हैं इसको लेके। ठीक है पार्थ, अच्छी लग रही है? अच्छी है ना? अब इससे घूमने जाना। चलो हम फिर चलते हैं कार में, आप आ जाओ हैं, ठीक है? चलो पैर रखो, पैर रखो, रखो भाई। आगे रखने नहीं, हो गया काम, हो गया काम। तो भाई जहाँ से भी लोग स्टार्ट किया था फिलहाल वहीं पहुँच गया, गाड़ी खड़ी करके मैं आ गया गली के बाहर और अब जाऊँगा अपने घर। और यहाँ जो एक मेरा बहुत पुराना जो है दोस्त मिल गया था, ठीक है, तो इसको जो है देख के यकीन नहीं हुआ, कह रहा भाई मेरी अंकों को यकीन नहीं हो रहा तू पाकिस्तान से इंडिया आ गया। अच्छा जी, तो खैर अब इसको यकीन आ गया, मगर चल कोई बात नहीं, जब तू वीडियो में अपने आप को मेरे साथ देखेगा तो तुझे यकीन आ जाएगा, ठीक है। तो अरे ये हमारे भाई की दुकान तो सुबह भी दिखाई थी, भाई बैठे हैं और बस अभी तो ठंडे ही बैठे हैं, अभी कस्टमर आने नहीं, कस्टमर तो आते जाते ही रहे खैर। अच्छा ये भाई हो गया मुझे बस भाई, भाई। तो यो क्या हुआ भाई? अच्छा, जब ज़्यादा स्टीम बन जा तो वो निकल जा अपने आप ही है। तो ये कॉफ़ी मशीन रखी थी जिसमें स्टीम ज़्यादा बनने में, तो डर गया था एकदम, मगर पता नहीं क्या हो गया इसमें।
चलो ठीक है, तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।